डियर 40-year-old मी, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आई होप कि तुम किसी भी टाइप का अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग्स नहीं ले रहे हो। आई एम करंटली 28 और आज तक मैंने किसी भी टाइप का अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर ड्रग्स नहीं लिया है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ये किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है। आपकी लाइफ में जो मर्जी हो रहा है इस वक्त, जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन ये किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। अगर ये एक सोल्यूशन होता तो सारे लोग यही चीज़ कर रहे होते हैं। मैंने इसकी वजह से अपने बिजनेस के लिंक्स खोए हैं, इस वजह से फ्रेंड्स खोए हैं, बट द थिंग इज़ कि अपनी डिग्निटी कायम रखिए और आई होप कि आप भी अपनी डिग्निटी कायम रखे होंगे। और अगर आप इन चीज़ों में फंस गए हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को साइड कर दो। यू आर मच हैप्पियर विदाउट दिस। मैं जंक फूड भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, पिज़्ज़ास, बर्गर्स। कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करूँगा बट इतना खाऊँगा कि अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाऊँ, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ। और आई होप कि 40-year-old मी, यू माई फ्रेंड, आर डूइंग द सेम। डियर 40-year-old मी, आई होप कि अब तो तुम्हारा को पार्टनर भी मिल गया होगा और आई होप कि तुम्हारे बच्चे भी हो गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ दैट। आई होप कि आपको एक पार्टनर अच्छा मिला हो, और मेरी इस वक्त थिंकिंग ये है कि आपको एक नौकरी वाला पार्टनर मिला हो। डियर 40-year-old मी, 16 जुलाई 2019 को मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, CreatorShed स्टूडियोज OPC प्राइवेट लिमिटेड। आई होप यू आर वर्किंग ऑन दैट। अब ये तो तुमसे ही पता लगेगा कि ये सक्सेस हो पाई या जो मैंने चीज़ें सोची है इस वक्त वो सक्सीड हो पाई। बट इस वक्त आई एम वेरी पैशनेट और आई होप कि तुम 40 साल की उम्र में भी पैशनेट हो, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर यार। ये तुम दिमाग में रख लो, पैशन इज़ एवरीथिंग। पैशन के साथ साथ हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। और आई होप कि तुम अपने पैशन की तरफ जा रहे हो और तुम वो चीज़ कर रहे हो जो तुम्हें खुशी देता है, और उसमें थोड़े बहुत पैसे भी कमा पा रहे होंगे ताकि तुम अपनी लाइवलीहुड, ताकि अपना पेरेंटहुड, ये सारी चीज़ें संभाल पाओ। डोंट लूज होप। अगर तुम डाउन भी जा रहे हो अपनी बिजनेस में, देर विल बी डेज जब तुम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होंगे और देर विल बी डेज जब तुम बहुत ज़्यादा नीचे हों। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। इट्स बिजनेस, ये नौकरी नहीं है कि आपको प्रमोशंस मिलती जाएगी अगर आप अच्छा काम करते रहोगे थोड़ा थोड़ा। तो इट्स अप टू यू। अगर तुमने हार मान ली तब भी कोई टेंशन नहीं है यार, यू कैन स्टिल डू जॉब। डियर 40-year-old मी, आई होप कि जितने भी पुराने कर्जे थे वो तुमने निपटा दिए हैं, वो चाहे घर के कर्जे हो या अपने खुद के कर्जे हो, वो सब निपटा दिए हैं तुमने। और मेन बात पता क्या है, अगर तुमने निपटा दिए ना तो यू आर करंटली लिविंग इन हेवन। ठीक है, तुम्हारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें हों या फिर ऐसी चीज़ें हों। यू विल बी स्टिल हैप्पी इन वट यू हैव एंड बी हैप्पी इन वट यू हैव। अगर ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करो, मिल जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 10 साल पहले जब मैं 18 साल का था तो मैं सोचता था कि कोई एक एप्पल का डिवाइस मिल जाए, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा रद्दी हो, छोटा हो, जैसा मर्जी हो। मुझे आईफोन चाहिए था उस टाइम, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक था कि एप्पल की चीज़ होती है, एप्पल की चीज़ें। करंटली आई हैव अ मैकबुक एंड आईपैड, और आई थिंक फ्यूचर में अपग्रेड कर ली होगी ये सारी चीज़ें काम की वजह से। तो सपने देखो और उसके पूरा करने के लिए हिम्मत रखो। आई होप कि तुम्हारा अभी भी हार्ड वर्किंग नेचर होगा और तुम कर रहे होंगे। डियर 40-year-old मी, फाइनेंशियल कंडीशंस इस तरह से मत सोचो कि तुम्हारे को फ़ायदा ही फ़ायदा हो। देर विल बी डेज जहाँ पे तुम्हारे नुकसान ही नुकसान हो रहे होंगे, बट टेंशन किस बात की है यार, यू आर डूइंग वट यू लव। और नहीं भी कर रहे तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो यार तुम, तो टेंशन किस बात की है, जस्ट बी इन द मोमेंट। डियर 40-year-old मी, वी आर करंटली फेसिंग फाइनेंशियल कंडीशंस, तो मतलब बहुत बुरे हाल है फाइनेंशियल वाइज, बट ये होप ज़रूर है कि हमारे पास इतने एसेट्स है कि वी कैन लिव, और हम अच्छे से उसको निकाल सकते हैं, अपने डेट्स को निकाल सकते हैं। तो अगर अभी भी तुम्हारे पास डेट है तो थोड़े बहुत ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, और बोला ना आज आज की बात करो, आज तुम्हारे पास है, ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन मत लो। आपको भी यही बोलना चाहता हूँ कि यही मेंटेलिटी जो मेरी 28 साल में है, आपकी भी आई होप यही मेंटेलिटी होगी। डियर 40-year-old मी,
स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। मैं अभी बहुत ज़्यादा करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किसी तरह से कंट्रोल कर पाऊँ। जस्ट डू द वर्क। डियर 40-year-old मी, आई होप यू आर लिविंग इन अ विलेज राइट नाउ। और जो भी तुमने सोचा था इस बिल्डिंग से रिलेटेड, इस स्टूडियो से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें तुम्हारी आगे आ गई हो। अगर नहीं अभी तक तुम्हें सक्सेस मिल पाई है तो टेंशन की क्या बात है यार, यू आर डूइंग व्हाट यू लव, तो उसको करते जाओ और जैसे जैसे मिलता रहता है ना यार, उसको आगे कर पाओ। क्योंकि अभी इस वक्त 28 साल की उम्र में आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ स्टूडियो, आई वॉन्ट टू बी डेट फ्री, दैट्स इट। ये दो चीज़ें और कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे लाखों रुपए एक दिन में मिल जाए या मेरे बिजनेस में एकदम से हाइक हो जाए, मुझे ऐसी कोई नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव। और एक बात सोच लो डियर 40-year-old, जस्ट एक बात सोच लो कि यू आर हेयर टू लिव। किसी ने कहा था कि यू आर जस्ट हेयर टू लिव, दैट्स इट। अगर जी रहे हो तो अच्छे से जियो। डियर 40-year-old मी, आई होप कि जिस तरह से इस वक्त तुम अपने मम्मी पापा से चीज़ें शेयर करते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनको समझाते हो, उनसे समझते हो, या अपने भाई को समझते हो या अपने भाई को समझाते हो, उसी तरह से तुम इस वक्त भी कर रहे हो। अगर तुम में डिफरेंसेस आ गए तो जस्ट उड़ जाओ वहाँ से जहाँ पे हो तुम, और अपने मम्मी पापा को जाके बताओ कि क्या क्या परेशानी है तुम्हारी लाइफ में, या उनकी बातें समझो, उनकी बातें शेयर करो, अपने भाई के साथ शेयर करो, अपनी बातें, भाई की बातें सुनो, ये सारी चीज़ें करो। अपनी वाइफ से डिफरेंसेस है या अपने बच्चे से डिफरेंसेस है तुम्हें, तो उनके पास जाओ, उनसे अच्छे से बात करो। स्टॉप मेकिंग वीडियो, मतलब इस वक्त तुम अगर कोई वीडियो बनाने तो स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट एंड गो देयर और बात करो, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। डियर 40-year-old मी, ये समझने की कोशिश करो अगर तुम्हें फाइनेंशियल लॉस होता है, पैसे में लॉस होता है, तो वो तुम किसी तरह से रिकवर कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें रिलेशनशिप में लॉस होता है तो दैट्स अ बिगर डील। तो पहले अपने रिलेशंस को संभालो, दूसरे अपने पैसों को संभालो। तो बस अभी तो यही दिमाग में आ रही है, क्या पता मैं कुछ सालों बाद एक और वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए भी ट्यून रखना, ठीक है। ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है, टू बी अ वेल बींग, टू बी अ गुड वेल बींग। तो आई होप कि जिस तरह से तुम अभी अच्छे कर्म कमा रहे हो, उसी तरह से आगे भी तुम अच्छे कर्म कमा रहे होंगे। सो ब्रो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप्स एंड टेक केयर ऑफ योर वर्क। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस में रखो। ऐसा नहीं कि काम के पीछे भागना है, या ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे भागना है, सब कुछ बैलेंस्ड रखो। एंड ब्रो, If you are doing good karma, then you are achieving. But अगर तुम कुछ गलत काम कर रहे हो तो पहले तो उसको छोड़ दो, अगर गलत काम नहीं कर रहे हो तो। So bro, चलता हूँ, and I hope you are making great videos. फिल्म मेकिंग की तरफ तुम भाग चुके हो, टेक्नोलॉजी की तरफ तुम अच्छे काम कर रहे हो, और भी जितने भी व्लॉग्स हैं, आई होप कि तुम ये वाला हिमांशु शर्मा वाला चैनल भी चला रहे होंगे और इस पर भी अच्छे से अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर रहे होंगे। सेकेंड चैनल जो क्रिएटर शेड है, उसको भी तुमने अच्छे से कर दिया होगा अब तो, यू नो, अच्छी अच्छी वीडियोस बना दी होगी, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें कर दी होगी, और आई थिंक कि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो चुकी होगी तुम्हारे हाथ में। इस तरह के गैजेट्स होंगे जो मैं सोच भी नहीं पाता इस वक्त कि वो हो सकते हैं मेरे हाथ में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, टेक अ चिल पिल। जो भी हो लाइफ में, जो भी हो लाइफ में, एनीथिंग एनीथिंग, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए बस उन परेशानियों के खिलाफ।